सत्यनारायण भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की। अरे भैया, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाय, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। आज मैं अपने ब्लॉग में अपने घर पे सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा हूँ। तो आज मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा अपने घर पे सत्यनारायण भगवान का पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या विधि रहता है सत्यनारायण भगवान का पूजा में। तो आप लोग बने रहना, मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या इसके लिए तैयारी चल रही है घर पे और क्या क्या करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पूजा की तैयारी के लिए केला का पेड़ आ चुका है, इधर फूल है और उधर प्रसाद भी आ चुका है। पूरे गाँव में घर में देखिए फल भी लिए, सबके लिए फल लेके आ चुके हैं। इधर देख सकते हो और इधर पूरा रूम का पूरा साफ किया आज, जो सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा। इधर मंदिर भी साफ कर दिए हैं और पूरा घर साफ सफाई हो चुका है। अभी 2 बजे से पूजा रखा है, तो इसके लिए पूरा साफ सफाई किए रूम का। अभी आगे का पूजा होगा तो वो भी दिखाऊंगा। देखिए अभी यहाँ तक कितना आज सब जो भी पूजा का सामान था वो सब लेके आ चुके हैं और आगे का उसको तो गणपति बप्पा भैया गणपति बप्पा मोया भैया बोलो बोलो गणपति बप्पा। हरि ओं ये नबद्ध बली राजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि लक्षेमाचलमाचल। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा गौडामनेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हरिओं सर्वप्रथम दीप पूजनम सबसे पहले दीप देवता के नाम करो। हरिओं दीप देव कस्तम कर्म साक्षीय यावत् पूजा समाप्त सैम तावत् तुम सुस्थिर भवाय तदा दियौ। हरि ओम, दोनों फूल के अपना तरफ एना के घुमा करो, दोनों हाथ में का दीप देवता के प्रणाम करो, नमस्कार में श्री दीप देवता ये नमः। हरि ओम श्री पृथ्वी पूजनम मां पृथ्वी माता के ध्यान करो। पृथ्वी प्रयाता लोका देवी तो विष्णुना देता तुम च धारय मां नित्यम पवित्रम पूजासनम मां। दोनों हाथ के का सामने जमीन में हाथ लगा कर पृथ्वी माता के तब सामने हाथ जोड़ कर पृथ्वी माता के प्रणाम करो। आधा शक्ति नमः श्री पृथ्वी नमः। दोनों हाथ जोड़ कर अपन माता पिता दोनों के प्रणाम करो। माता चपरापति देवी पिता देवो महेश्वरा माधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम् श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरियो हरिओम। अपन गुरु देवता के ध्यान करो। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंगाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। हरिओम। घंटी में गरुड़ जी के ध्यान करो। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु शंख में विष्णु भगवान के ध्यान करो। हरि ओम। ओम पंचजनियाय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात् शंखस्तु विष्णवे नमः। हरि ओम। हरि ओम। दोनों हाथ जोड़ कर भगवान के ध्यान करो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्तवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्ष हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदया शान्ते वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तेः
सर्वगं शांते शांतिरेव शांते सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वानिष्ट शांतिर्भवतु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु दुनुहार्जुर्का गणेश जी लक्ष्मी नारायण उमापति महादेव अवन कुल देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता श्री सत्यनारायण भगवान हिनका सौ के प्रणाम करो। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मनमहागणाधिपतये नमः। हरिओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कर मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान के सामने में चढ़ा दिया उन हरि ओम। हाथ में फिर दक्षिणा ला लिया। हस्ते गंधाक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा संकल्पं कुर्यात् हरि ओम। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण महि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वारोह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आज्ञावतैक देशांतर्गते पुण्य पवित्र क्षेत्रे दंडिकारण्य क्षेत्रे थाना मंडलांतर्गते ने रूल सीवुड उपनगरे करावा ग्रामे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे सुवे कृष्णे पक्षे अद्य नामाहं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्ति अर्थम सकल विघ्न बाधा निवारणार्थम मम गृहे जन्माशौच निवारणार्थम अद्य पूर्वांगी कृतम श्री सत्यनारायण पूजन तत् कथा श्रवणम हवनम और जे मनोकामना मन में हाथ से मन मन भगवान के बता दियो। माम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण देवता पूजन तत कथा श्रवणम हवनम च महम करिष्ये। हरि ओम इति धरियो निचामे ओम जजाग्रत दौरमुदैति दैवं तदसप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। हरि ओम शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम हरि ओम। अक्षत्रिय हाथ में सूर्यादि पंचदेवता के ध्यान करो। ओम भूर्वस्व श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। चार मिनट जल के चढ़ाओ ये तानी श्रेष्ठाभ्यो नमः। हरि ओम चार मिनट भगल अय फूल सर देखियो हे एना सर ऊपरे से एना एना कछिता दिखो तीन बेर इदम अनुलेपनम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। इदम अनुलेपनम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। इदम अनुलेपनम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हरि ओम इदम अक्षतम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। इदम अक्षतम चरह श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। इदम अक्षतम श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः।
हरिओम। एतानि पुष्पाणि श्री सूर्यादि पंचदेवता फुल्य एतानि पुष्पाणि श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। हरिओम। ऊपर चढ़ाओ। हाँ वही के ऊपर एक ही जगह। हाँ वही के ऊपर। एतानि पुष्पाणि श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। एतानि पुष्पाणि श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। हरिओम। एतानि दुर्वादलानि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जलक एतानि गणपुष्पोग्रेव ताम्बूल्यसाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। इदमात्मनीयं श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। किस दक्षिणाय का धौदियो ये इदं दक्षिणा द्रव्यम ओम श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। साइड में हाँ फूल दोनों हाथ से फूल लगा ये सब पुष्पांजलि ओम श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। हाथ जोड़ कर श्री सूर्यादि पंचदेवता के प्रणाम करो नमस्कारम श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। ज्योति लक विष्णु भगवान के ध्यान करो ओम गुरु भवस्व भगवान श्री विष्णवे नमः। इहा गच्छ इह तिष्ठ। चार बेर जल एतानि पाद्य अर्घ्य आत्मने स्नानि पूर्णात्मने यानि चढ़ाओ चार बेर श्री भगवान विष्णवे नमः। एतानि पाद्य अर्घ्य आत्मने स्नानि पूर्णात्मने यानि श्री भगवान विष्णवे नमः। चंदन इदम अनुलेपनम भगवान श्री चंदन चंदन फूलक इदम अनुलेपनम भगवान श्री स्वीट सर श्री भगवान विष्णवे नमः। इदम अनुलेपनम भगवान श्री विष्णवे नमः। भगवान श्री विष्णवे नमः। एते जप्तिला भगवान श्री विष्णवे नमः। हरिओम। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री विष्णवे नमः। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री विष्णवे नमः। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री विष्णवे नमः। एतानाभरणम श्री लक्ष्म्यै नमः। तीन में ओम इदम सिंदूराभरणम श्री लक्ष्म्यै नमः। इदम अक्षतम श्री लक्ष्म्यै नमः। इदम अक्षतम श्री लक्ष्म्यै नमः। इदम अक्षतम श्री लक्ष्म्यै नमः। हरिओम। एतानि पुष्पाणि श्री लक्ष्म्यै नमः। हरिओम। एतानि पुष्पाणि ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। हरिओम। एतानि पुष्पाणि ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। हरिओम। जलक एतानि गणपुष्पोग्रेव ताम्बूल्यसाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री लक्ष्म्यै नमः। इदमात्मनीयं श्री लक्ष्म्यै नमः। हरिओम। इदं बिल्वपत्रम ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। इचराम एकै द्विय वृजलवास। हरिओम। दक्षिणा यस दक्षिणा द्रव्यम ओम श्री दक्षिणा द्रव्यम। हाँ भाई ना ऊपर चढ़ाओ फूल के ऊपर। हरिओम। दक्षिणा द्रव्यो साइड में यस दक्षिणा द्रव्यम ओम श्री लक्ष्मी नमः। हरिओम। एतानि पाद्य अर्घ्य आत्मने स्नानि पुनरात्मन्यानि भगवन् श्रीयादि अनादि पुरुषाय नमः। चंदन इदम अनुलेपनम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। इदम अनुलेपनम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। इदम अनुलेपनम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हरिओम। इदम अक्षतम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। इदम अक्षतम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। इदम अक्षतम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हरिओम। ओम एतानि पुष्पाणि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। एतानि पुष्पाणि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हरिओम। एतानि दुर्वादलानि तुलसी पत्राणि ओम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। जलक एतानि गणपुष्पोग्रेव ताम्बूल्यसाभाग नानाविध नैवेद्यानि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। फिर एक बार जल इदमात्मनीयं भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। दक्षिणा यस दक्षिणा द्रव्यम ओम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हरिओम। हरिओम। यस पुष्पांजलि ओम भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हरिओम। यस पुष्पांजलि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। हाथ जोड़ कर अनादि पुरुष भगवान के प्रणाम करो नमस्कारमि भगवान श्री अनादि पुरुषाय नमः। अक्षत का सूर्यादि इंद्रादि दस दिक्पाल देवता के ध्यान करो ओम भूर्भुवस्व श्री इंद्रादि दस दिक्पाल देवता भ्यो नमः। इहा गच्छ इह तिष्ठ। चार बेर जल एतानि कनके कनके एतानि पाद्य अर्घ्य आत्मने स्नानि पुनरात्मन्यानि। ऐ हाथ के ना कभी रहने रहूँ ना
भगवान को उठा कर ऐ में डुबा डुबा कर स्नान कराओ पंचामृतम मया नीतम पयोतदीपितम मदम शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिग्रहयताम एष पंचामृत स्नानम श्री सत्यनारायणाय नमः। ऐ में मल मिल कर स्नान कराओ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि करो। भगवान के वही कमचा में पूछ लिया हरि ओम भगवान के तो धो दियो कपड़ा मेरा कौन हरि ओम भगवान के तिलक करो अंगूर लग कर हाँ कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभम नासाग्रे वर्मम पिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुगंधितम कंठे चंपावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि हे। कटोरा के चारों तरफ बना कर धो दियो सर्व भूषादि के सौम्य लोक लज्जा निवारण मयोपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिग्रहयताम हरिओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् साजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रति मुञ्च सुभदं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इमे यज्ञोपवीते बृहस्पति दैवते श्री सत्यनारायणाय नमः। हरिओम भगवान के स्पीकर तुलसी पत्ता चढ़ाओ ओम हरये नमः भसाली काम ओम हरये नमः ओम विष्णुवे नमः ओम अक्षुणाय नमः ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः ओम श्री वामनाय नमः ओम श्री धराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम श्री हरिवल्लभाय नमः ओम विश्वस्मै नमः ओम विष्णवे नमः ओम वक्रतकराय नमः ओम भूतभव्य भवन्नाथाय नमः ओम श्री जगन्नाथाय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम श्री हरिवल्लभाय नमः ओम श्री शालिग्रामाय नमः ओम श्री वृंदावन विहारिने नमः। दुनु हाथ रमे रामे तिरा मेति मनोरम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने असंख्य तुलसी पत्रम ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान को प्रचार दियो ध्यानी दधिक्षीर कृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिग्रहयताम नैवेद्य नैवेद्यं भगवते श्री सत्यतरं शेषनाद्यौ समवर्तता परिव्यां भवमृषा श्रोत्रार्थता लोकान् अकल्पयन् नैवेद्य नैवेद्यं नैवेद्यं ते उन्हें सब फल पर छोड़ दियो। हरि वेदो महावह न्यूना अतिरिक्त दोष निवारण दक्षिणा द्रव्यम श्री सत्यनारायणाय नमः। हरि ओम भगवान श्री सत्यनारायण जी से प्रार्थना करो। अब मैं आ रही है सर अरे दोनों हाथ से लिया हरि ओम प्रार्थना करो। ओम अमोघम पुंडरीकाक्षम नृसिंहम दैत्यसूदनम ऋषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम वनत्रय गुणातीतम गोविंदम गरुड़ध्वजम जनार्दनम जनानंदम
नंदम जानकी वल्लभम जय प्रणमामि सदा सत्य नारायणवता परम दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभि परिपीडिते विविधापत्सु दुष्टेषु तथान्येषु यद्वयम् नामान्ये तानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात्। हे पुष्पांजलि ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। चढ़ाओ फोटो पर सामने बढ़िया सा। हरिओम हाथ जोड़ कर भगवान सत्यनारायण के प्रणाम करो। नमस्कारोमि श्री सत्यनारायणाय नमः। एक बार जोर छोड़ो दिया बुदिया श्री सत्यनारायण देवता प्रियंताम नमः। बाजू श्री सत्यनारायण भगवान की छोड़ दियो। अक्षत लका श्री गौशंकर भगवान के ध्यान करो। भूर्भुवस्व श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। इहा गच्छ इहतिष्ठत चार बेर जल एतानि पाद्य अर्घ्य आत्मने स्नाने पुनरात्मने याने श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हरि ओम चंदन इदमनुलेपनम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। इदमनुलेपनम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। इदमनुलेपनम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हरि ओम इदम अक्षतम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हरि ओम इदम अक्षतम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। इदम अक्षतम श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। एते जपतिला श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। एते जपतिला श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। एते जपतिला श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हरि ओम एतानि पुष्पाणि श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। हरि ओम 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 हराय नमः। महेश्वराय नमः। शूलाय नमः। शूलपानये नमः। हरिओम इदं बिल्वपत्रं श्री भगवन् गौरी शंकराभ्याम नमः। ओम हराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शूलाय नमः। ओम शूलपहरिओम श्री शूलपानये नमः। ओम श्री शूलपानये। ओम श्री शूलपानये नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम भीमेशाय नमः। ओम श्री रामेश्वराय नमः। केदारेश्वराय नमः। ममलेश्वराय नमः। हरि ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः। हरि ओम इदं बिल्वपत्रं श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। के लिए चल दिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। निवार कृष्ण भगवान की जय। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। घर पहुंचने वाला था, अपने सेवकों के द्वारा नौकर चाकर के द्वारा घर में संदेशा भिजवाया। हम लोग आ गए नदी किनारे में, भगवान रुके हुए हैं। उस समय में लीलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। लीलावती ने पूजन कर ली और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मैं तो नदी किनारे में जाती हूँ, तू आराम से पूजन करके आना। बहुत दिन के बाद पति आ रहे हैं, जल्दी पति से मिलने की इच्छा से 5 मिनट में यूं हल्दी कुमकुम चढ़ाई, ऐसे ऐसे सुखरता दुखरता आरती कर दी और 5 मिनट में नदी किनारे। प्रसाद विश्वरणी पति भेटिला कलावती देवी, छोब तुजा होता ची तयाची नौका बूडाली। प्रसाद खा के जाती है तो पति ची नौका करली देखे कलावती नहीं। कलावती दौड़ के घर जाती है। कलावती प्रसाद छोड़ करके जल्दी से हल्दी कुमकुम चढ़ा के सुखरता दुखरता आरती करके 5 मिनट में नदी किनारे वहाँ जाती है तो माता पिता को देखती है, पति को नहीं देखती है। पति को नहीं देख करके विचार करती है, लगता है मेरे पति के साथ कुछ अघटित घटना घट गया। पति के वियोग में प्राण त्यागने का संकल्प करने लगती है। उसी समय में बनिया बार बार पृथ्वी में लेट करके भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अभी अभी तो दामाद जी मेरे साथ में थे, अभी अभी कैसे गायब हो गए? लगता है कुछ आपकी लीला है, कहीं मेरी बेटी से आपका कुछ अपराध तो नहीं हुआ। उसी समय में आकाशवाणी होती है कि अरे बनिया, तेरे खुद्री ने मेरा पूजन तो किया लेकिन मेरे प्रसाद का अनादर किया।
यदि ये घर जाएगी प्रसाद खा करके आवेगी तो इसका पति सामने से आता दिखाई दे। कलावती दौड़ के घर आती है, भगवान को प्रणाम करती है, क्षमा मांगती है, चरणामृत प्रसाद खा के हाथ धो के प्रणाम करके क्षमा मांग के जब नदी किनारे में जाती है तो माता पिता पति तीनों को आपस में बड़े प्रेम से हंसते बोलते हुए देखती है। चारों घर आते हैं, अगले दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। इसीलिए भगवान के प्रसाद का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। एक अंगद भज नाम के राजा थे। अंगद भज राजा जी या बड़ी दुख स्थिति आई, मृत वार्ता सतपुत्र जी सचर करनी पर सर। अंगद भज नाम के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे, बहुत दान पुण्य यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। आज जंगल में शिकार करने के लिए गए, थक गए, एक पीपल पेड़ के नीचे में बैठ गए। उसी पीपल पेड़ के नीचे में कुछ गाय चराने वाले ग्वाले लोग भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। राजा पूजा में नहीं गए, आरती में भी नहीं गए, तो आरती के बाद ग्वाले लोग प्रसाद लेकर के आए। राजा ने ग्वाल बाल को देखा तो जरूर, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। वो ग्वाले लोग प्रसाद लेकर के राजा के सामने में रख दिया, राजा को प्रणाम किया और ग्वाले लोग चले आए। राजा ने प्रसाद को देखा तो जरूर, लेकिन प्रसाद को छुआ भी नहीं और अपने महल में लौट आया। उस राजा के 100 बेटे थे। महल में लौट करके देखता है तो महल के जितने भी लोग हैं सब के सब नष्टम भ्रष्टम चखंडितम, सब के सब समाप्त हो गए। वो राजा तुरंत भगवान का ध्यान करने लगा, अकस्मात ये कैसे हो गया। तो ध्यान में विचार करता है कि मेरे द्वारा भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर हुआ, लगता है ये उसी का फल है। क्या करें, समस्या है तो समाधान भी है। तुरंत लौट जाता है जंगल में, उन्हीं ग्वाल वालों के साथ में भगवान सत्यदेव का पूजन करता है, भगवान से क्षमा मांगता है, वही चरणामृत प्रसाद को खाता है और उसी चरणामृत प्रसाद में से थोड़ा सा हो गया 2 मिनट और थोड़ा सा प्रसाद लेकर के घर में आता है तो देखता है महल के सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से हंस बोल रहे हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो भगवान सत्यनारायण की पूजा किए थे सदानंद नाम के ब्राह्मण, वही ब्राह्मण उस जन्म में सुख भोगते हुए इस जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़ी हारा था वही उस जन्म में सुख भोगते हुए इस जन्म में निषाद राज हुआ, जो प्रभु श्री राम की भक्ति करके